माँ सर्वेश्वरी तुम पाहि माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस पंडा ज्योतिषाचार्य तंत्र विशेषज्ञ आज आपके समक्ष एक अद्भुत उपाय टोटका लेके उपस्थित हुआ हूँ। यदि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, पूरे नहीं होते, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती, तो आज मैं आपको एक अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सरल है, इस उपाय को करने मात्र से आपके बहुत सारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, आप सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। इस उपाय को बताने से पूर्व आप लोगों से बिना आग्रह, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब के बटन को टच जरूर कर दें, साथ में एक बेल आइकॉन का बटन भी दिया हुआ है, कृपया उसे भी टच कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें। अब आगे बढ़ता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ वो अद्भुत उपाय टोटके। ये उपाय के लिए आपको बहुत सारी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे नियम कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हर कोई व्यक्ति आसानी से अपने घर में कर सकता है। बहुत इजी है, बहुत सरल है। इसको आपको बुधवार के दिन करना है। बुधवार के दिन एक मौली धागा लें। मौली धागा लेने के पश्चात मंदिर में जाएं, अपने गणपति बाबा का यदि आपने तस्वीर रखा है तो उनके सामने बैठ जाएं, या प्रतिमा भी होगी तो उनके सामने बैठे, प्रतिमा नहीं है तस्वीर रखा है तो उनके सामने बैठे। यदि आपने भगवान गणेश की ना प्रतिमा रखी है ना फोटो रखी है तो आप स्मरण में उनका ध्यान करें, और उस मौली धागा में 7 गठान आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करके 7 गठान देने हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद, बीच में जगह होनी चाहिए। एक गठान किए उसका थोड़ी सी जगह छोड़ के दूसरी गठान, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के तीसरी गठान। हर गठान करते हुए आपको एक मंत्र का जो बोलना है, जो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, इस मंत्र को बोलते हुए उस गठान को करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र को पढ़ते हुए, ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको गठान बांधना है। गठान बांधने के बाद इसे लाल कपड़े में लपेट के पूजा स्थली में रखना है, और अच्छे से आप पूजा पाठ करना है इसका। पूजा पाठ करने के उपरांत इसे आप अपने जेब में रख लीजिए, पर्स में रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, और अपने साथ हमेशा इसको रखिए। आप देखिएगा धीरे 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 आपके जो बिगड़े हुए काम है स्वाभाविक रूप से बनने चालू हो जाएंगे, और बहुत सारी सफलताएं आपको ऐसी मिलनी चालू हो जाएंगी, बहुत सारे काम आपके ऐसी होने चालू हो जाएंगे, कई आश्चर्यजनक आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो इसके साथ में यहीं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी। नमस्कार मित्रों।